हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये जाना था कि भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस तरीके से हुई, ऑपरेशन फ्लड भारत में क्यों लाया गया, भारत में जो श्वेत क्रांति है इसका क्या इतिहास था, किसके द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये तीन फेजेस में था, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। तो इन तीन फेजेस में क्या क्या हुआ ऑपरेशन फ्लड में, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था जिसमें हमने ये कहा कि ये जो ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये सक्सेसफुल हुआ किसकी वजह से, अमूल की वजह से। अमूल ने यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड की सक्सेस में। तो यहाँ पर आज हमारी इस वीडियो में हम अमूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड की सक्सेस में इसने अपना योगदान दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बैकग्राउंड ऑफ अमूल, अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में अमूल का रोल क्या था। तो अमूल के जो ट्रिनिटी थे, वर्गीस क्यूरियन, श्री त्रिभुवन दास, किशी भाई पटेल और हरिचंद्र मेघा दयाल, इन तीनों ने इस इनिशिएटिव में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था जिसकी वजह से ये जो मिशन था, जो ऑपरेशन फ्लड था, सक्सेस हो पाया। तो यहाँ पर हम अमूल का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जानते हैं। अमूल द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन इज एन इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड एट आनंद in the Indian state of Gujarat, formed in 1946. It is a cooperative brand managed by a cooperative body, the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, GCMMF. Amul Khera district ka ek cooperative milk producer hai, producer union hai, Indian Dairy Cooperative Society par based hai, aur ye based kahan par hai? Anand, in Indian state of Gujarat, Gujarat ki Anand जगह पर ये बेस्ड है। इसका एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। ये कोऑपरेटिव ब्रांड मैनेजमेंट है जो कि कोऑपरेटिव बॉडी है ये अमूल, द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाई गई। सो ये अमूल क्या है समझ आया। अमूल स्पर्ड इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन व्हिच मेड द कंट्रीज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अमूल ने भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति को, या फिर हम दुग्ध क्रांति कह सकते हैं इसे, इसको पूरे विश्व में फैलाया है और भारत आज दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और मिल्क प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर बन गया है पूरे विश्व में। खेरा यूनियन इंट्रोड्यूस्ड द ब्रांड अमूल फॉर मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज। The word Amul is derived from the Sanskrit word Amul which means priceless or precious. Khera Union ne Amul brand ko introduce kiya tha for marketing aur product range ke liye, isko unhone introduce kiya tha is brand ko. Amul word ka matlab Sanskrit, ye Amul ek Sanskrit word hai, amulya se liya gaya hai jiska matlab hota hai priceless ya precious. अमूल्य यानी कि ऐसी चीज जिसका हम प्राइस नहीं लगा सकते, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। एक्चुअल में अमूल का नाम मतलब यही होता है, ये संस्कृत वर्ड अमूल्य से डिराइव किया गया है। त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल, त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लेड इट अंटिल हिज रिटायरमेंट इन द 70s. त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल जो थे उन्होंने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाइडेंस पे अमूल के ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप ली थी और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए थे 70s में। ही हायर डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन इन 1949। उसके बाद उन्होंने वर्गीस
क्यूरियन को हायर किया एंड कन्विंस हिम टू स्टे एंड हेल्प विद द मिशन, और उन्हें कन्विंस किया कि वो हेल्प करें और उनके मिशन के साथ कोऑपरेट करें. Curien was the founder and chairman of the GCMMF for the more than 30 years. Dr. Verghese Curien, GCMMF ke founder aur chairman rahe 30 saalon se bhi zyada, 1973 se leke 2006 tak Verghese Curien jo the wo founder and chairman rahe. Yes. So, जो वर्गीस क्यूरियन थे वो 30 साल से भी ज्यादा चेयरमैन और फाउंडर रहे थे GCMMF के, and is credited with the success of Amul Marketing. और यहाँ पर जो अमूल मार्केटिंग है इसकी सक्सेस का क्रेडिट भी किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को. वर्गीस क्यूरियन द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अमूल वॉज नेम्ड द चेयरमैन ऑफ NDDP बाय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. अब ये जो वर्गीस क्यूरियन थे फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अमूल, इन्हें लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन्हें NDDP का चेयरमैन भी बना दिया था उन्होंने वर्गीस क्यूरियन को. क्यूरियन थ्रस्ट द प्रोग्राम टुवर्ड्स सक्सेस एंड हैज सिंस बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्किटेक्ट. तो जो वर्गीस क्यूरियन थे वो व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड की सक्सेस के लिए वर्क करते रहे. द सक्सेस ऑफ अमूल हैज एनकरेज्ड सिमिलर मूवमेंट्स इन द अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया. Such sectors excels in areas such as marketing, management, branding, technology and set benchmarks for firms all around the world to follow and adapt. Amul ne dheere dheere karkar apni success ko badhaya agriculture mein, har sectors mein yahan par wo marketing, management, branding, technology in sab ke zariye dheere dheere karkar success leti rahi, aur pure vishw mein bhi unhone Amul brand ko famous kiya ताकि लोग इसे फॉलो करें और इसे अडैप्ट कर सकें. ऑल्सो अमूल हैज प्रोग्रेसिवली एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ लेबोरेटरी क्रिएटिंग इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटिंग इट्स टेक्नोलॉजी व्हिच हैज इंप्रूव्ड इट्स कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट ग्लोबल फॉर्म. अमूल ने धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को इस तरीके से बढ़ाया कि यहाँ पर उन्होंने लेबोरेटरी भी क्रिएट की ताकि वहाँ पर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंशंस कर सकें और एक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल फॉर्म भी हो सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके. अमूल कोऑपरेटिव मॉडल हैज स्टेडली एक्सपेंडेड इन प्रोडक्ट लाइन एंड एडेड न्यू वंस. बिल्डिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद इट्स विजनरी लीडर्स, अमूल इज स्टिल वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वेल नोन फूड ब्रांड एंड अदर डेयरी कोऑपरेटिव सच एज नंदिनी इन कर्नाटक, अविन इन तमिलनाडु एंड वर्का इन पंजाब. लुक अप इनटू इट्स इंस्पिरेशन. अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल की तरह सामने आया और अपनी प्रोडक्ट लाइन को और कई ऐसी नई ब्रांड चीज़ें अमूल के द्वारा लॉन्च की गई. और पहले ही नहीं आज की भी बात करें तो अमूल आज भी इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन फूड ब्रांड बना हुआ है और डेयरी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट बना हुआ है. इसी से इंस्पिरेशन लेकर और भी कई डेयरी कोऑपरेटिव्स खोले गए हैं, जैसे कि नंदिनी जो कि कर्नाटक में है, अविन जो कि तमिलनाडु में है, वर्का जो कि पंजाब में है. वो सभी कुछ अमूल की इंस्पिरेशन की वजह से ही हुए. सो अमूल के फाउंडर एक्चुअल में वर्गीस क्यूरियन थे और चेयरमैन भी वर्गीस क्यूरियन थे, और मोस्टली जो अमूल की सक्सेस थी उसका कारण वर्गीस क्यूरियन ही थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया इसके लिए, द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन फ्लड. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लड बाय रिवॉल्यूशन की. सो अमूल क्या है वो तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेशन फ्लड सक्सेसफुल हुआ. सो ऑपरेशन फ्लड वॉज conceived and implemented as much more than a dairy program. Rather, dairying was seen as an instrument of development, generating employment and regular income for millions of rural people. Operational flood ne yahan par ek bahut hi acha response mila. Usne implement kiye dairy pro, kai dairy programs khole aur uski wajah se yahan development hua, generate hua employment. Un dairy products ki wajah se मिलियंस ऑफ रूरल पीपल जो गाँव के लोग थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया और उनकी इनकम भी बढ़ गई. द डेयरी सेक्टर वॉज रिवॉल्यूशनाइज बाय द प्रोग्राम एंड सॉ मेनी चेंज लाइक. जो डेयरी सेक्टर था, डेयरी सेक्टर आप समझ सकते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन था उससे बनी हुई जो डेयरी के सामान रहती हैं, तो जो डेयरी सेक्टर था वो इस प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनाइज हुआ
कई ऐसे चेंजेस थे जैसे कि इट्स सेट अ ट्रेंड ऑफ अडॉप्टिंग न्यू एंड मॉडर्न मेथड्स टू होल्ड एंड मिल्क कप. यहाँ पर कई ऐसी मॉडर्न मेथड्स और ट्रेंड को अडॉप्ट किया मिल्क काउस के लिए, सॉरी काउ मिल्क के लिए. इट एनकरेज टू चेंज द कंपोजिशंस ऑफ एनिमल फीड फॉर बेटर एडजस्टमेंट टू द कंडीशन. उन्होंने यहाँ पर एनिमल फीड यानी कि जो जानवरों को खाना दिया जाता है, जैसे कि आप गाय की बात कर लीजिए, गाय हैं, बफेलोज हैं और भी कई ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनसे के द्वारा डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उनके लिए जो खाना है उसे और बेहतर बनाने के लिए और बढ़िया करने के लिए वर्क किया गया. इट रिवाइज डिफरेंट प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑन अ स्लाइडिंग स्केल. यहाँ पर जो प्रोड्यूसर कॉस्ट थी उसको रिवाइज किया गया एक स्लाइडिंग स्केल पे, यानी कि एक एवरेज रेंज रखी गई जिससे कि जो रूरल पीपल हैं उन्हें प्रॉफिट हो सके, उनकी इनकम बेहतर हो सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके और जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इनकम उनकी अच्छी होगी तभी तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे. तो इस तरीके से यहाँ ऑपरेशन फ्लोट सक्सेस हुआ क्योंकि कई ऐसे बेनिफिट्स थे जो लोगों के लिए यहाँ पर सामने आए. In the 20 years since its launch, Operation Flood or the White Revolution has made India, which once used to import milk, the world's third largest producer of milk and an exporter. In the same period, the number of milk cooperative societies has grown from 10,000 to 60,000. और वहीं पर in the 20 years since its launch, यानी कि White Revolution Operation Flood के launch होने के 20 साल बाद भी बाद यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिले और धीरे धीरे इंडिया जो है वो विश्व का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल्क के मामले में बन गया, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड एक्सपोर्टर विच वन यूज टू इम्पोर्ट मिल्क, द वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड एन एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर बन गया वो. इन द सेम पीरियड द नंबर ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो 10,000 से बढ़कर 60,000 तक हो गई. The Amul cooperative brought home better prices for the producer, generated direct employment for thousands and process served as instrument of social and economic change. और यहाँ जो Amul cooperative society थी उसकी वजह से यहाँ उसके better home prices थे और producer generated employment था, उसने कई लोगों को यहाँ employment भी provide किया, लोगों की social and economic condition में भी बदलाव लाया. Hence considering the impact the white revolution had not only on the dairy sector but rural India as a whole. यहाँ पर जो वाइट रिवॉल्यूशन है उसने ना सिर्फ डेयरी सेक्टर पर इम्पैक्ट किया बल्कि जो हमारे रूरल इंडिया था उस पर भी फर्क पड़ा है. इससे इट सक्सेस आउटवेज द फ्यू क्रिटिसिज्म बाय लार्ज मार्केट. अब यहाँ पर इसकी सक्सेस जब बड़ी वाइट रिवॉल्यूशन की ऑपरेशन फ्लोट की सफलता बढ़ी तो लोगों ने इसे क्रिटिसिज्म भी के मामले में भी लेके आया और कहीं ना कहीं इसे क्रिटिसाइज किया, पर इससे इसकी मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही सफल मिशन रहा. तो व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड क्या है ये समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. सो एवरी ईयर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व एज द नेशनल मिल्क डे अक्रॉस द कंट्री. हमारे कंट्री में नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है. नवंबर 26, 2021 वॉज वर्गीस क्यूरन 100th बर्थ एनिवर्सरी और 2021 26 नवंबर को वर्गीस क्यूरन की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी. तो ये काफ़ी रिमेम्बरेंस वाला डे है क्योंकि उन्होंने 100th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी वर्गीस क्यूरन की और वर्गीस क्यूरन की बर्थ एनिवर्सरी पे ही हमारे भारत में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है. इन 2021 नेशनल मिल्क डे वॉज बींग ऑब्जर्व बाय द सेंटर एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन. तो यहाँ पर जो नेशनल मिल्क डे था वो 2021 में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का एक पार्ट रखा गया था और आज भी हम बात करें तो हम आज भी 2022 में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं. द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द नेशनल गोपाल रथ अवार्ड एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कैंपसेस आनंद. यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कैंपस इन आनंद. एंड देन वर्ल्ड मिल्क डे, अभी हमने किसकी बात करी, हमें हम नेशनल मिल्क डे की बात कर रहे हैं जो हमारे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें यानी कि विश्व दुग्ध दिवस, सो एवरी ईयर द फर्स्ट डे ऑफ जून इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मिल्क डे. पूरे विश्व में मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो जून के पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जून को
हर वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है. ऑन द ओकेजन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गोपाल रत्न अवार्ड एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई गोपाल ऐप विद उमंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर भी इस पे अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा. यहाँ पर ये कहा गया था कि गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाएगा ई गोपाल ऐप. यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी, लॉन्च किया गया था उमंग प्लेटफॉर्म पे. सो गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो दिया जाता है इसी के लिए, वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लोट की सक्सेस के लिए. सो भारत में नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? हम डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जो कि अमूल के फाउंडर एंड चेयरमैन थे, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी 2021 से पड़ी थी और हर वर्ष हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं. वहीं हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं 1st day of June. तो ये था वाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति भी कहते हैं. और ये भारत में आई, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया. ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवॉल्यूशन एक ही चीज़ है. और यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन था, डेयरी प्रोडक्शन था, इसे बढ़ाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ भारत में नज़र आया. वर्ल्ड मिल्क डे वॉज एस्टेब्लिश बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO के द्वारा. वर्ल्ड मिल्क डे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2001 में. FAQ क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर. ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा और ये हंगर को डिफीट करने के लिए बनाया इंटरनेशनल एफर्ट करती है. द डे, और यहाँ पर ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है, इसका इंटेंट ये था कि जो डेयरी सेक्टर है की एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करना, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, यही वर्ल्ड मिल्क डे का उद्देश्य है. तो यहाँ पर हमने वाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लोट, अमूल, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है. अगर आपको वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं. फॉलो करें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज. जय हिंद, जय भारत.